पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। हमारे क्रांति अधिकारी व जमींदार सतीम और संजय के मिलाकर हमारे सभी सचिव हुए और बैठक में 5 सितंबर जो आंदोलन हो रहा है जो बच्चों साल पहली होनी है उस पर आयोजित बैठक में संपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। कैसे हमारे लोग आएंगे, कैसे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, कार्यक्रम में किन किन गतिविधियों पर लोग काम कर सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा किया गया। सभी लोग सैकड़ों की संख्या में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के 100 दिवस का जो कार्यक्रम था आदरणीय विशिष्ट शिक्षा मंत्री द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने का काम किया और उस कार्यक्रम में श्रद्धासुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसके बाद हम लोगों ने अपने कार्यक्रम पर चर्चा किया है। पूरी तरह से परमिशन पत्रों का आदान प्रदान और संगठन को कैसे हमको सबको लाना है, कैसे ले जाना है, सारी गतिविधि भी पूरी प्रांतीय कार्यकारिणी लग गई है और पूरी प्रांतीय कार्यकारिणी पूरी ताकत के साथ काम कर रही है और अभी नहीं तो कभी नहीं। घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन इतना, ये आंदोलन एक विशाल आंदोलन होगा, महा आंदोलन होगा और इस आंदोलन में हमारे प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्रों को प्रतिभाग करना है। तमाम साथी हमसे बार बार अपील करते थे उनको आप बुला लेंगे, उनको बुला लेंगे, मुख्यमंत्री पत्र कर लीजिए। मैं पत्र बनवा करके सबको व्यक्तिगत रूप से जितने भी संगठन है, टीम है, जो लोग संयुक्त मोर्चा में है, चाहे जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ है, चाहे प्राथमिक शिक्षक संघ है, चाहे मिशन जीटीपी है, चाहे अंतर जनपदीय है, चाहे अनुदेशक है, चाहे शिक्षा मित्रों में आदर्श का है, चाहे मान लीजिए कि भाई अभय सिंह जी है, उमा जी है, जितने भी लोग शिक्षा मित्र हित में इस प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनके हित में प्रदेश में काम कर रहे हैं और हमारे साथ आदरणीय मिले बंधु जी है, सबको मैं पत्र के माध्यम से आमंत्रित कर रहा हूँ। सबको बैठा सबके साथ सबका विचार सबके साथ लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इधर मैं सरकार के प्रतिनिधियों से भी बात कर रहा हूँ। हमारी मुलाकात आज भी जिम्मेदार प्रतिनिधि से हुई है, हम लोग कल भी मिलेंगे माननीय मंत्री से मिलकर के उसी कार्यक्रम में विनम्र अनुरोध कर लिया गया, उन्होंने मिलने का अवसर भी प्रदत्त किया है, हम उनसे भी मिलेंगे। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है और मैं चाहता हूँ ये कार्यक्रम सफलता की तरफ बढ़े और हमें उम्मीद है कि 5 सितंबर का जो कार्यक्रम होगा ये बहुत विराट कार्यक्रम होगा और निर्णायक कार्यक्रम होगा और इस निर्णायक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति वंदनीय है, तो आप सहभागी बने और आपके के लिए जो कुछ भी हो उसके आप साक्षी रहे। और मैं तात्कालिक भी घोषणा करता हूँ तमाम शिक्षा मित्र भाइयों बहनों के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है एक दिन का कार्यक्रम नहीं होगा, 2 दिन का कार्यक्रम नहीं होगा, ये मत पालिए, ये कार्यक्रम वर्त चलेगा और कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर दी गई है। पहले दिवस 5 तारीख शिक्षक दिवस के दिन पूरी ताकत में हम इको गार्डन में कार्यक्रम करेंगे। हम अपनी अगर हमारा काम नहीं बना, हमारी बात नहीं हुई, वार्ता हमारी मुख्यमंत्री से होनी है या वैसे शिक्षा मंत्री के साथ में टेबल पर लोग हो या माननीय मंत्री जी हमारे घर, अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम लोग दूसरे दिन से यानी 6 सितंबर से निदेशालय पर घेरा डालो डेरा डालो का आंदोलन प्रारंभ करेंगे और वो तब तक चलेगा जब तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। ऐसे तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने रणनीति तय कर लिया, इसलिए आप ना बहन ना भ्रम दूर कर लीजिए कि 1 दिन का कार्यक्रम है, हम ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे और अब आज के बाद कोई टिप्पणी नहीं होगी। मैं आप सबसे अपील के माध्यम से बात कहता हूँ कि इस प्रदेश का कोई भी संगठन का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं रुकेगा जो कोई समिति चला रहा है, संगठन चला रहा है, फाउंडेशन चला रहा है। हमारे लिए सभी सर्वमान्य है, सभी शिक्षा मित्र हम पहले हैं, नेता बाद में है, इसलिए हम सबको बुलाएंगे और सबको बुला करके इस कार्यक्रम की सफलता की तरफ ले जाने का काम करेंगे। और मैं अनुरोध के साथ कहता हूँ कि अगर कार्यक्रम को लंबा चलाना है तो हम लोग 5 सितंबर को किसी भी तरह से उदंडता नहीं करेंगे। संगठन जो मंच से निर्देश होगा उसका पूरा पालन करेंगे, मंच के पालन अनुपालन में पूरा कार्यक्रम चलेगा, मंच के जो निर्देश हो उसमें आप खरा उतरेंगे और जो शिक्षा मित्र चाहता है कि
उसके समस्याओं का निदान हो, संगठन इस बार आर पार टीम ग्रुप में है, लेकिन वो आर पार तब संभव होगा जब आपके लिए कोई समस्या का समाधान होगा। वो आर पार ऐसा नहीं होगा कि आप आएंगे और दो घंटे में ईटा पत्थर चला के चले जाएंगे, तो एक तो विखंडन होगा और दूसरे से आपका आंदोलन को चला जाएगा। आंदोलन को सफलतापूर्वक चलाना है, आंदोलन को पूरी ताकत से चलाना है, आंदोलन को लंबा चलाना है और आंदोलन की कुछ लेकर जाना है, तो आप हम पे भरोसा करेंगे, हम आप पे भरोसा करेंगे और निश्चित रूप से एक निर्णायक लड़ाई होगी और उस निर्णायक लड़ाई में हम सब लोग साक्षी होंगे और हमारा जो प्रयोजन है, हम जो भी योजना रचना आपके बीच में देते हैं, मुझे गर्व है कि आप इन परिस्थितियों से लड़ते हुए उसको सफल बनाने का काम करते हैं, चाहे वो 12 जनवरी रहा हो, चाहे वो 22 फरवरी रहा हो और चाहे वो 18 अक्टूबर का ट्रैक आंदोलन रहा हो। अब इसके बाद आपका 5 सितंबर का आंदोलन शिक्षक दिवस पर हमें सम्मान प्राप्त होना चाहिए, इसके लिए संघर्ष है और इसमें एक एक शिक्षा मित्रों की उपस्थिति सादर वर्तनीय है और जितनी ताकत आप हमें देंगे उतनी ताकत के साथ हम रिजल्ट आपको देने का काम करेंगे। कुछ लोग कमेटी के गठन पर और कमेटी के निर्णय पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कमेटी में जो बैठक हुई पूरी पारदर्शिता से हुई, कमेटी का जो निर्णय हुआ पूरी पारदर्शिता से हुआ, कमेटी का पद पूजन गया, सबके संज्ञान में था। कोई संगठन शिक्षा मित्रों का नहीं कह सकता कि हम नहीं गए थे बैठक में, आपने सबको बुलवाया था, सारे लोगों के सामने हुआ था। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वो माननीय मुख्यमंत्री ने भी चुनाव के बाद कहा था अभी नहीं हो पाया है, तो आगे मैं प्रयास करूंगा कि कार्यक्रम हो और बेहतर हो और शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ना कुछ परिणाम हो। आज भी मंत्री मिलकर अनुरोध किया गया है और लगातार इधर मुलाकात भी होती रहेगी अधिकारियों से, माननीय मंत्रीगणों से और माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास भी चलेगा और आंदोलन की रूपरेखा पूरे ताकत के साथ हम लोग करने का काम करेंगे। आप बसों की व्यवस्था अगर कर रहे हैं तो 2-3 दिन की व्यवस्था करके आप आइए, पूरा राशन व्यवस्था और तब पूरी ताकत के साथ आइए। अगर काम हो जाएगा 5 को खुशी खुशी जाइएगा, नहीं तो हम लोग 5 को इको गार्डन में रहेंगे। यह स्पष्ट होना चाहिए सबको, इको गार्डन आना है और 6 तारीख को अगर हमारा काम नहीं होता है तो 6 तारीख से अनवरत निदेशालय पर धरना चलेगा और वो तब तक चलेगा जब तक कोई निर्णायक नहीं निकलेगा। इसी के साथ आप सबका पुनः आह्वान करते हुए इस आशा विश्वास के साथ कि आपकी ताकत ही हमारी सफलता की होगी, आप जितना ताकत देंगे उसी ताकत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब जो है बैठने का समय नहीं है। आंधियां लाओ, लहू में ज्वार को पैदा करो और पुरंदर को छोड़कर हुंकार को पैदा करो और अंधेरियां बच चुकी हैं पार, एक बार पुनः गांडियों में टंकार को पैदा करो, टंकार को पैदा करो, एक बार भरोसे से निकलो और पूरी ताकत के साथ पूरे जोश के साथ आप आइए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश अपने साथियों से और निश्चित रूप से धरना हमारा सफल होगा और कुछ ना कुछ लेकर के जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। और आदरणीय श्री राम द्विवेदी जी भी कुछ आप लोगों को कहेंगे, आप उनके विचारों को। नमस्कार साथियों, जैसा कि हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको अवगत कराया कार्यक्रम के रूपरेखा के बारे में, आपसे सिर्फ 2 अपील है। पहला तो ये है कि आप ग्रुप में अनावश्यक डिस्कशन को बंद कर दें और ये करो या मरो की तर्ज पे 5 सितंबर 2024 का जो दिन होगा वो तो आपके लिए निर्णायक दिन होगा, ये सोच करके आप सब घरों से निकले। और जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जब तक आप एकत्रित नहीं होंगे, जब तक आप सड़क पे अपनी मांगों को लेकर के नहीं उतरेंगे, तब तक आपकी बातें नहीं सुनी जाएंगी। इसलिए आप बहुत ही व्यवस्थित नियोजित तरीके से, बहुत ही लोकतांत्रिक और मर्यादित तरीके से आप आने का काम करें 5 सितंबर को। संगठन आपका आह्वान करता है, आपका अभिवादन करने के लिए यहाँ लखनऊ में तैयार बैठा है और संभव अगर हुआ बाबा विश्वनाथ की कृपा से तो आपका काम निश्चित बनना चाहिए। और कहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ शुभ संकेत आपको मिल सकता है, मैं ऐसा कोई व्यक्तिगत न्यूज नहीं दे रहा हूँ, 5 सितंबर से पहले भी आपको कुछ अच्छा सूचना मिल सकती है। तो आप इन गुटबंदियों को छोड़ करके और खास करके मैं अपने सभी जिलाध्यक्षों से अपील करता हूं कि वो अपनी निष्क्रियता को त्यागे, अपने आलस्य को त्यागे, अपनी अकर्मण्यता को छोड़े और जो 10 दिन का 15 दिन का मेरे पास समय बचा है, आपके पास जो समय बचा है, दिन रात मेहनत करके एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन को जागरूक करके उनको लखनऊ ले आने का काम करें और आप सबकी उपस्थिति ही आपके इस कार्यक्रम की सफलता का कारण बनेगी।
पुनः आप सबसे अपील करते हुए कि 5 सितंबर को इको गार्डन में आप भारी संख्या में पहुंचने का काम करें और प्रदेश संगठन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। किसी भी तरह की उद्दंडता, किसी भी तरह की अनुशासनहीनता कार्यक्रम में नहीं होना चाहिए और लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का, अपनी बात को करने का अधिकार हम सबको है। हम सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं करने जा रहे हैं, हम सरकार से अपनी मांग को मानने के लिए आ रहे हैं और हमें प्रिपेयर होकर के आना है। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर हमारी बातें एक दिन में मान ली जाती हैं तो अच्छी बात है, नहीं हम घेरा डालो तर्ज पे हम इस कार्यक्रम को लफा भी चलाने का काम करेंगे। इसके लिए आप सभी प्रिपेयर होकर आए। आप सभी जिलाध्यक्षों को पुनः हम ये अपनी तरफ से अपील करते हैं कि आप सभी अपने जिले में, अपने एक एक ब्लॉक के एक एक गांव में जो हमारा शिक्षा मित्र भाई बहन बैठा है उनको लेकर के आने का काम करें और 10-15 दिन लगातार कड़ी मेहनत करके आप सबको जागरूक करने का काम, छोड़ने का काम, और ये काम आपस में टकराहट का नहीं होना चाहिए। और जो विभिन्न लोगों का नाम आता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप पूर्व से देखते आए हैं कि जब कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र के मांगों पे हुआ है, मेहनत पे हुआ है और आगे भी अगर कुछ होगा तो आपको यही संगठन आपका सम्मान वापस दिलाएगा। इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ आप सभी को पुनः नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।